एक बाजू पानी की तंगी जोवा मळी रही छे तो बीजी बाजू पानी नो वेडफाट पर बेफाम थई रह्यो छे। दादरा नगर हवेली में पण पानी नो वेडफाट सामे आव्यो। सेलवासना झंडा चौक विस्तार में पानी की पाइपलाइन में भंगाण थता 20 फूट ऊंचा पानी ना फुवारा जोवा मळ्या हता। अंडरग्राउंड केबलिंग नु काम चाली रह्यु हतु त्यारे पानी की लाइन तूटवानो बनाव बन्यो हतो। घटना की जाण थता कलाक बाद तंत्र द्वारा पानी लीकेज बंद करायु हतु। आ विषय वातचीत करने संवाददाता मानव ठाकर अमारी साथे जोड़ाया छे। मानव बात करवामां आवे तो दादरा नगर हवेली में पण पानी नो वेडफाट थयो छे। 20 फूट पानी ना ऊंचा फुवारा उड़ा, कोई कामगीरी करवामां आवी के केम? जी जुही, जे प्रकार नो राज्य में उनाळो अतिशय भारे बनेलो छे अने ज्यां जुओ त्यां पानी नो ककड़ा जोवा मळी रह्यो छे, त्यारे तंत्र नी बेदरकारी ने कारणे राज्य में आज जे रीते पानी नो व्यव जोवा मळेलो हतो तो पाडोशी संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली ना पाटनगर सेलवास में पण आवा दृश्य जोवा मळ्या हता। पालिका द्वारा जे रीते खोदकाम चाली रही तो अंडरग्राउंड केबलिंग नु काम चाली रह्यु हतुं, त्यारे जे रीते जेसीबी द्वारा आ प्रकारनी जे पाणीनी लाइन छे તે તૂટી જવા પામી હતી અને મોટા પ્રમાણમાં પાણીના ફુવારા ઉડ્યા હતા। 20 ફૂટથી પણ ઊંચા ફુવારા ઉડતા સ્થાનિકોની ભીડ જમા થઈ ગઈ હતી અને બાજુમાં જે રીતે જીબીની લાઈન પણ હતી અને જો વધારે મુસીબત થાય તો પછીથી સજાય હતી, પરંતુ તાત્કાલિક પાલિકાના જે અધિકારીઓ છે ઘટના પર પહોંચીને લાઈન બંધ કરવાનો પ્રયાસ કર્યા હતા, તેમ છતાં પણ લાખો લીટર પાણી વહી જતા લોકોમાં એક રોષની લાગણી જોવા મળી હતી। જી જોઈ, બિલકુલ તમામ જાણકારી બદલ આભાર।